तो भाई फाइनली मक्के की रोटी और सरसों का साग और मिक्स फ्रूट का जो अचार है वो आ चुका है वेजिटेबल का। और राधे तो तीन रोटी खा चुके हैं पहले ही दो। तो इमरान भाई बहुत मजा आया आपकी मक्के की रोटी और सरसों का साग खा के, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। इतनी दूर से हम आते हैं तो ऐसा घर का खाना मिलता नहीं है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आपका अपना AB7000। तो आज निकल चुके हैं भाई एक और ज़बरदस्त लोकेशन के लिए। ये श्रीनगर की अभी बाज़ार को क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद एक ऐसी जगह जाने वाले हैं कि आप देख के खुश हो जाएंगे। और ये भाई 30 किलोमीटर तो आ चुके हैं, नज़ारे देखो यहीं से स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखो नदी जा रही है साथ से, बिल्कुल सफ़ेद नीला पानी, बिल्कुल क्लियर साफ पानी के साथ में नदी चलती हुई। पियेंगे चाय। और यहाँ से भाई दूध पथरी में हमने एंट्री कर ली है, वैली ऑफ मिल्क इसे बोलते हैं। ये आप देख रहे हो साइड में दोनों तरफ में जो बैठे हुए लोग, ये यहाँ का बहुत फेमस फूड है। ये मैं आपको बाद में रिवर से वापस आते टाइम में दिखाऊँगा। अभी एंट्री हम कर रहे हैं, देखो आप यहाँ पे पर्ची कटती है 60 रुपये की। आप आए तो 60 रुपये प्राइवेट गाड़ी के, कमर्शियल के थोड़े ज़्यादा हैं, 90 या मेरे ख्याल से 100 रुपये हैं। क्या खूबसूरत ये वादियाँ, ये पेड़, ये रस्ते, ये बादल। दूध पथरी है इस जगह का नाम, इस जगह को वैली ऑफ मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर का खूबसूरती असली तो यही है, बादल आएंगे जब तुम देखना नीचे तो। अरे नीचे आएंगे वे देख, खूबसूरत वादियों के संग संग एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी है। आप देख रहे हो कि कितने लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कुछ गार्डन पे बैठते हैं। और ये देखो बिल्कुल मिट्टी का, बिल्कुल सिंपल, और रहने का अलग ही सुकून आता है यहाँ पे रहने में कि कितना अच्छा। मतलब आजकल बनावटी चीज़ें इतनी चल रही हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और भाई यहाँ से एंट्री होगी शाली गंगा नदी के लिए, रिवर का जो रास्ता है वो यहीं से है। यहाँ पे आप देखो एक्टिविटी के लिए झूले भी हैं। ये पाजी की गाड़ी ख़राब हो गई है, देखो बेचारे परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे झूले, नीचे नदी, साथ में हॉर्स राइडिंग भी है, बहुत सारी बहुत जगह। बहुत मशक्क़त के बाद यहाँ पे हमें गाड़ी के लिए पार्किंग मिली है। ये देखो बड़ी मुश्किल से, बहुत भीड़ है इसलिए पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है कहीं भी आप जाओ, हिल स्टेशन पर या कहीं भी। चढ़ गई। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं बहुत लंबी ड्राइव के बाद श्रीनगर से। यार हाय बोल दो सबको। श्रीनगर से 40-45 किलोमीटर दूर दूध पथरी। और ये देखिए हमारा ग्रुप, पूरी फैमिली। खुशी हाय तो बोल दे। ये देख हाय भी ऐसे बोलती है बैठ करके। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पे भाई, टूरिस्ट लोकल भी और आउट ऑफ स्टेशन के भी बहुत गाड़ियां हैं। बाबा कुकू आ गई यार, बोल रहा है बाबा कुकू आ गई। तो फाइनली दूध पथरी के फेमस पॉइंट शाली गंगा में हम आ चुके हैं नदी में। आप देखो कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे सभी, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। आपको अभी मैं नदी दिखाता हूँ, देखो बस। हाँ तो अयान कहाँ गए हो आप, मज़ा आ रहा है, कैसी जगह है? मस्त है, मस्त। मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ठंडा पानी। दूध पथरी इस जगह का नाम है और
आप टूरिस्ट आपने देखे कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे हैं, और ये नदी, ये वादियाँ, ये बादल, ये खूबसूरती करोड़ों दिलों पर राज करती है भाई। जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं दीवाने हो जाते हैं इस जगह के। नदी का एंजॉय करने के बाद में अब हम वापस चलते हुए, आप देखो घोड़ों पे लग जा रहे हैं, और स्कूल्स के बच्चे भी देखो आ रखे हैं यहाँ पे कश्मीरी, और बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं। अब हम भी पहुँचने वाले हैं बच्चों को घोड़े पे राइड कराने के लिए कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली है पूरी। ये आया खुशी सिंधु जा, देखो भाई बन गई। ये देखो दोनों बच्चे आयान, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। खुशी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे हो? तो पार्क ही तो है, और ही क्या है, यहाँ पे झूले नहीं है। देखो सिंधु जा, तो गाइस मैं और आयान बैठ चुके हैं घोड़े पे। आयान डर लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं, पकड़ के बैठ जा, कुछ भी नहीं है। ये देखो कितना खूबसूरत नजारा है। आपका क्या नाम है भाई? मुश्ताक है मेरा नाम। मुश्ताक भाई, आपका भाई क्या नाम है? शब्बीर भाई। शब्बीर, एक तो शब्बीर हमारे सिंगर भी थे ना बॉलीवुड के। जी जी। सुने उनके गाने आपने? बहुत अच्छे गाने हैं उनके ना। तो कितने दिन से कर रहे हो आप ये काम भाई? हमें तो कोई 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल यही गांव के रहने वाले हो? हाँ सर, हम यही गांव के। अच्छा, तो ये जो है क्या बोलते हैं दूध पत्थरी, ये कितने सालों से, मतलब ज्यादा सालों से? 2008 से शुरू हुई थी भैया सर। 2008 से ना? जी सर। अच्छा, उससे पहले तो गुलमर्ग वगैरह ही ज्यादा था। हाँ, वो पहले से शुरू हुई है, तो ये 2008 से शुरू हुई। ये 2008 से शुरू हुई है। इसका काम लोगों को पता है। इसमें 5 पॉइंट है? 6 पॉइंट। 6 कौन कौन से भाई बोलो? और फिर ये कौन सी मूवी की? अच्छा, वो राजी मूवी की। राजी मूवी की ना लास्ट पॉइंट है शाली गंगा। वो जहाँ बर्फ है, तो वहाँ पे कैसे जाते हैं लोग घोड़ों पे? अच्छा, 0 पॉइंट एक अपना सोनमर्ग से ऊपर भी है ना। हम कल वहीं गए थे। मैं तो 11-12 बार कश्मीर आ चुका हूँ भाई, लेकिन आपके लिए एक खूबसूरत जगह, एक प्लेस जो कि लोगों को पता नहीं था, मतलब कि ज्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, वो मैंने किया है। और कश्मीर वैली, इसका मैं आपको बताऊंगा कि 6 के 6 पॉइंट जैसा कि शब्बीर भाई ने बताई, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन भी मेंशन करूंगा, ठीक है? तो ये मुश्ताक भाई है और ये शब्बीर भाई है। हाँ, काफी अच्छे लोग हैं। हाथ लाइए है। हाँ, तो कभी आप आए तो मुश्ताक और शब्बीर भाई से जरूर मिलेंगे आपको। 5 पॉइंट तो जो मेन है वो, और ऊपर 0 पॉइंट पक्का दिखाएंगे सर। जो 0 पॉइंट है ऊपर बर्फ वाला, वो भी आपको ये दिखाएंगे बिल्कुल टॉप पे। ये सामने कश्मीर वैली है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं दूध पत्री से नीचे नदी पे घूम के, और उसके बाद घोड़े की राइड करके बच्चों को करा के अब हम कुछ खाने के लिए रुके हैं। जो दूध पत्री में जो फेमस है मैं दिखाता हूँ आपको, वो है मक्के की रोटी। इधर दिखाओ, ये मक्के की रोटी है जी। और क्या क्या होता है इसके अंदर? सर ये मक्के की रोटी और ये सरसों का साग मिलता है इसके अंदर, और अचार। अच्छा, तो ये जितने भी यहाँ पे लगे हुए सिर्फ मक्के की रोटी ही मिलती है? मक्के की रोटी, अचार, सब्जी, कहवा। तो जो लोग आते हैं यहाँ पे स्पेशल मक्के की रोटी खाने के लिए आते हैं। तो ये किस चीज से बना होता है अचार जो होता है आपका? अचार मिक्स वेज। एक मूली का भी मिलता था आपके यहाँ पे शायद? सर मिलता है लेकिन मिक्स वेज। इसमें मूली भी है और गाजर भी है, लोटस भी है। ओके,
चलो थोड़ी देर में आपको हम दिखाते हैं, हमारा फूड रेडी हो रहा है अभी। और ये देखो बिल्कुल ताज़ा मक्के की रोटी, ये अचार प्रिपेयर करते हुए हमारा लंच, क्योंकि हम थक गए हैं, नीचे नदी पे जाना और फिर पहाड़ पे चढ़ना तो काफ़ी सारा एडवेंचर होता है ना। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम इमरान। इमरान भाई, ये आपकी माता जी हैं? जी जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अभी हम खा के फिर आपसे दोबारा बात करेंगे, है ना। ये जो आपका साग होता है ये किस चीज़ का होता है इमरान भाई? ये होता है सर, इसको कश्मीरी में हम बोलते हैं हाक। हाक, और हमारे इसमें कुद्रुम कुछ समथिंग बोलते हैं ना, कुछ ऐसे ही कुछ बोलते सर, लेकिन हम। अच्छा चलो, क्या होता है वो? बिहार की तरफ में कुछ बनता है, हमारे वहाँ दिल्ली में तो नॉर्मल साग बोलते हैं, सरसों का साग हो गया, है ना, मक्के की रोटी और सरसों का साग हमारे वहाँ फेमस है। जी, पर आपके वाला वो थोड़ा खाने में खट्टा है, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ। तो भाई फाइनली मक्के की रोटी और सरसों का साग और मिक्स फ्रूट का जो अचार है वो आ चुका है वेजिटेबल का। और राधे तो तीन रोटी खा चुके हैं पहले ही। दो तीन खाया राधे, बेईमानी ना करो, मुझे पता टेस्टी बन रहा था, सच तो बताओ। खाने वाला है तो तीन खानी है ना? तीन खा लेंगे, बहुत अमेजिंग है। दूध पत्ती आओ, मक्के की रोटी सरसों का साग जरूर खाओ। इमरान की दुकान है, दिखा दो उधर, इमरान की दुकान दिखा दो यार। खाना खाने के बाद नीचे पॉइंट जो है उन पर घूम के आओ, घोड़े की राइड करो, नदी में इंजॉय करो, फैमिली के साथ आओ, बहुत अच्छी जगह है। हमारा ये जो ट्रिप है ये दूध पत्ती का आज यहीं ख़त्म होगा, आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे दोबारा श्रीनगर से एक और हिडन प्लेस की तरफ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, हाँ बाय। तो इमरान भाई बहुत मज़ा आया आपकी मक्के की रोटी और सरसों का साग खा के, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। इतनी दूर से हम आते हैं तो ऐसा घर का खाना मिलता नहीं है। थैंक यू अम्मा जी, शुक्रिया माता जी, अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपका खाना खा के। जल्द मुलाकात होगी, हम जब भी आएंगे तो सबसे पहले सिर्फ आपके यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद हम आगे घूमने जाएंगे, ठीक है? चलो दुआओं में याद रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नंबर मेरा इमरान ने ले लिया। इमरान भाई कनेक्ट करना, बात करते रहेंगे, ठीक है? ओके ओके गाइस, तो आपने देखा कि पूरा मेरा दूध पत्री का जो एंजॉय था और जो इमरान भाई के साथ माता जी के हाथ का खाना, आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय।